देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के पेटरवार प्रखंड के अंगवाली गांव में आज रविंद्र उषा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए कार्यक्रम रखा गया, जहां पर झारखंड प्रदेश के महिला महामंत्री हेमलता दुबे, कार्यालय मंत्री बबीता हिंदू एवं डॉक्टर श्रीमती उषा सिंह, युवा नेता दिलीप शर्मा अंगवाली, मंडप अध्यक्ष सचिन मिश्रा, निमाई संघ रवि शर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को गंभीरता से सुना। पूरे बेरमो प्रखंड में दर्जनों जगह मन की बात के कार्यक्रम सुनने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद श्रीमती उषा सिंह ने उपस्थित लोगों को कार्यक्रम में आने एवं प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने के लिए धन्यवाद दिया और पार्टी के कार्यक्रमों को आमजन तक पहुंचाने का भी निवेदन किया। सावधानी से सुना, इसके लिए मैं एक एक व्यक्ति की आभारी हूँ। मैं यहाँ आए हुए अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती मंजूलता दुबे जी, जो कि भाजपा की प्रदेश महामंत्री हैं, और दूसरी मुख्य अतिथि बबीता जी, जो कि भाजपा की कार्यालय अध्यक्ष हैं, उनका व्यक्त करती हूँ कि इतनी दूर से रांची से चलकर स्वयं गाड़ी चलाकर यहाँ तक आई हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में चार चांद लगाई हैं। मैं यहाँ के भाजपा के महामंत्री शाली हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी मीडिया वाले को, पूरे ग्रामवासियों को और जितनी यहाँ महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत आभार, थैंक यू सो मच जी। जी हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता होकर ही कोई कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति भी अपने देश से प्रेम करता है, अपने क्षेत्र से प्रेम करता है, अपने समाज से प्रेम करता है, उस अपने गौ माताओं से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को भाजपा ज्वाइन करके करे या बिना ज्वाइन करे करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ, इसीलिए मैं जी जान लगा कर ये काम को करती हूँ साथ मिलकर, और भाजपा के साथ में हूँ। भाजपा का जो विचारधारा है वही विचारधारा मेरा है, इसलिए मैं उनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। और कल हो के क्या होगा वो तो ईश्वर जानता है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरे मर्जी पर नहीं है। मैंने कभी दावेदारी नहीं की आनंद जी, मैंने कभी दावेदारी नहीं की है। मैं सिर्फ काम करती हूँ। कर्मण्य बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करना हमारा काम है। हम समाज सेवी भी हैं, हम डॉक्टर भी, हम काम करते हैं। हम थोड़े ही जानते हैं कि इस काम का आगे में क्या फल होने वाला है। जो फल होने वाला होगा वो होगा, देगा भगवान, देगा जैसा समझेगा ईश्वर, के जो मर्जी होगी करेगा। मेरा काम है कि मैं भाजपा के साथ रह रही हूँ, भाजपा की बिल्कुल एक ऐसी कार्यकर्ता हूँ जो तन मन धन से मैं लगी हुई हूँ और लगी रहूँगी अनवरत। बस इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी भगवान जानते होंगे। क्यों नहीं, जरूर लड़ूंगी। यदि भाजपा मुझे उस लायक समझती है तो मेरे अंदर में इतनी भावना है, इतनी शक्ति है कि मैं पूरे क्षेत्र को बदल दे सकती हूँ। मेरे अंदर में इतनी शक्ति है और इतनी भावना है, क्योंकि मैं त्याग चुकी हूँ अपना सारा कुछ। मैं यही चाहती हूँ कि पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं विकास, उसी तरह से मैं भी बिल्कुल त्यागपूर्ण जीवन जीकर और अपने देश के कार्य में काम आ सकूं, तो मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी जीवन में। थैंक यू सो मच। कहीं कमजोर नहीं है भाजपा भाई, भाजपा तो पूरे देश में मजबूत है, घर घर में मजबूत है। आप कहीं से एक बार नाम उछाल दीजिए, बोलिए, सब लोग बोलिए, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद।